सो आज हम कोऑर्डिनेशन का दे रहे कंटेस्ट। वैसे सब लोग जानते होंगे बहुत टफ होता है। देखते हैं, बहुत टाइम से दिया नहीं हो कंटेस्ट में, भी एक दो ही हो पाए तब भी काफी है। एडिटर में कोड कर सकते हैं कि नहीं, डोंट नो, आई थिंक प्रोटेक्टेड। तो एक ही हो जाए। यू आर गिवन अ बॉक्स रो वन बेस्ड इंडेक्सिंग एंड नंबर बी, द आईथ बॉक्स कंटेन वैल्यू विच हाउ मेनी बॉक्स आर देयर विच कंटेन प्राइम नंबर बी इज 15। द आर्ग्यूमेंट इज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज इंटीजर ए, रिटर्न द इंटीजर नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेन प्राइम नंबर। यू आर गिवन ए बॉक्सेस कीप्ड इन अ रो वन बेस इंडेक्सिंग एंड नंबर बी आईथ बॉक्स कंटेन वैल्यू विच इज आई नॉट प्लस बी। How many box are there which contain a prime? ये क्या है? I not be first argument is return the prime number b, contain prime number a तो दिया हुआ है input में तो। The number on the boxes are 4, मतलब प्लस ही है। पहले केस में हमारे पास दो बॉक्स है तो उसमें एक ही प्राइम था। ओके ओके, सो बेसिकली जस्ट प्राइम नंबर ही देखना, प्राइम नंबर ही जनरेट करके देख सकते हैं बी और ए और बी का रेंज क्या है। बी 15 तक ही है और ए 10^16 तक है, तो जनरेट कर सकते हैं आई थिंक। मैक्स एन अपना हो जाएगा ए प्लस बी एंड वी कैन हैव वेक्टर ऑफ इंटीजर प्राइम एंड दैट ऑफ साइज मैक्स एन प्लस वन एंड इनिशियली वी कैन हैव वन एट ऑल द प्लेसेस। नाउ वी कैन स्टार्ट। It's prime, then we can have for j is equal to i into i
इक्वल टू मैक्स एम जे प्लस प्लस, ओके जे प्लस इक्वल टू मार्क पी ऑफ जे इज इक्वल टू जीरो एंड नाउ वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट राइट. सो वी कैन हैव काउंट जीरो एंड एट द वी कैन रिटर्न काउंट एंड वी कैन ट्रावर्स फॉर इक्वल टू फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट. ओके सो इट वॉज ए बी सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम बी प्लस वन आई less than equal to max n a plus plus count plus equal to p of I right. Let's try to run it. The expected return end value two. Why? So a is equal to 4, p is equal to 7, is your function returned following 1 and expected value should be 2. So a 4 diya hua hai aur 7 diya hua hai, to hume basically dekhna hai 5 6 7 8 5 6 7 8, तो उसमें दो होने चाहिए. एक क्यों आ रहा है यार, 11 तक देखेंगे कि नहीं, 4 देखना है ना. सो 4 से लेके आई कहाँ तक जाएगा यार, आई बी प्लस वन से लेके मैक्स लाइन तक जा रहे हैं हम लोग. नहीं मैक्स लाइन तक क्यों जा रहे हैं, मतलब 4 की लेंथ क्या है, 7 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग राइट. ओके सो अपने नंबर्स हो जाएंगे 7 प्लस 8 9 10 एंड 11, तो उसमें तो एक ही है. क्या है, 3 4 साइन क्या है, नॉट इक्वल टू प्लस, नंबर ऑन बॉक्स 2 1 नॉट इक्वल टू 3 दे रहा है, 2 नॉट इक्वल टू 2 दे रहा है, 4 8 ये क्या है, 3 नॉट ये, अरे हाँ तो एक्सप्लेन करते हैं, विच इज आई नॉट इक्वल टू प्लस बी, अच्छा दूसरा देखते हैं. Given a tree with n nodes, the n minus edges are given in a 2D integer array A. Find the number of simple paths that do not share an edge or vertex with the longest simple path. And since the answer can be the multiple longest path, choose the one with the farthest endpoint from 1 and the largest node value possible.
सो ट्री दिया हुआ है, एन माइनस एच इज दिया हुआ है, गिवन इन टू डी। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ सिंपल पाथ्स दैट डू नॉट शेयर एन एज और वर्टेक्स विद द लॉन्गेस्ट सिंपल पाथ इन अ ट्री। ओके, सिंस इफ देयर आर मल्टीपल लॉन्गेस्ट पाथ, चूज द वन विद further end point from one. Okay, and the largest node value possible. ठीक है, second in case still we have choose the second end point as largest node value. Okay. Okay. So, वन से देखना पड़ेगा, वन से कोई लार्जेस्ट पाथ है भी, तो उसके बाद कैसे आंसर निकलेगा। द लॉन्गेस्ट पाथ विल रिकवर्स ऑल द स्मॉलर पाथ्स। सो 1 to 2 जा रहा है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, सो उसमें तो सब कवर हो गया। से जा रहे हैं 2 पे, 2 से जा रहे हैं 3 पे, 3 से जा रहे हैं 4 पे, 4 से जा रहे हैं 5 पे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। टेन तक हो गया, 5 से 11, 11 से 12, 13, सो 5 से 11, 12, 13, 5 से 11, 11 से ही 12 और 13 है, ठीक है, और है 11 से ही 14 भी है। लॉन्गेस्ट पाथ ये हो गया, उसके अलावा जितना भी बचा हुआ है, सो अगर उसमें हम देखें कितने पाथ्स बन सकते हैं वही देखना पड़ेगा। ओके, से 12, 11 से 13 और 14, चलो वो तो हो जाएगा। एक काम करे तो पूरे ट्री में कितने पाथ से वो निकाल दे, और फिर इसके बाद लॉन्गेस्ट पाथ वाले के पाथ से निकाल दे तो हो जाना चाहिए, ठीक है। सो बट प्रॉब्लम ये है कि वो बीच में इंटरसेक्ट भी तो कर सकता है। क्योंकि मान लो कि यहाँ से 5 से भी होता तो वो इंटरसेक्ट कर लेता, देन इट वाज प्रॉब्लम। सो मे बी एक काम कर सकते हैं, हर एक को रूट मान के वहाँ से
इसमें DFS लगा सकते हैं। ठीक है वो हो जाएगा। अब लॉन्गेस्ट पाथ का कैसे निकाल सकते हैं? सो लॉन्गेस्ट पाथ के लिए भी तो प्रॉब्लम है, ये क्या है, देर आर मल्टीपल लॉन्गेस्ट पाथ, चूज वन विद द फर्दर एंड पॉइंट फ्रॉम वन एंड द लार्जेस्ट नोड वैल्यू पॉसिबल। तो पहले कौन किसको प्रायोरिटी दे यार, वन से दूर वाले को या लार्जेस्ट नोड वैल्यू पॉसिबल? ठीक है, तो वन से दूर वाले को प्रायोरिटी देंगे एंड उसके बाद लार्जेस्ट नोड वैल्यू, और उस केस में भी सेम आ रहा है, देन गोस से काम करो यार, वन को ही रूट मान के अगर पाथ डिसाइड करें हम लोग। वो 2DFS वाला चीज़ सा राइट, जिसमें कि फर्दर नोड वाला हम देखते थे राइट। हाँ, सो एक काम करते हैं, वन से DFS लगा के उससे फर्दर नोड वाला निकाल देते हैं और जिसका वैल्यू भी मैक्सिमम हो, और फिर वो नोड से दूसरा DFS लगाते हैं और फर्दर नोड वाला निकालते हैं विद द मैक्सिमम वैल्यू। गॉट एंड फिर तो हो जाएगा, तो उससे क्या निकल जाएगा, अपना लॉन्गेस्ट पाथ निकल जाएगा। ओके तो लॉन्गेस्ट पाथ के नोड्स के वैल्यू मुझे मिल जाएंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्टिंग नोड है कोई भी दो एंड का, जो भी स्टार्टिंग मतलब नोड्स के वैल्यूज़ मिल गए, अब मैं स्टार्टिंग नोड को चूज़ कर लेता हूँ जो भी है वो, कोई भी एंड पॉइंट को, एंड फिर वहाँ से DFS लगाना स्टार्ट करूँगा। सो बेसिकली DFS लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अगर तो मैं DFS लगा रहा हूँ, कोई भी नोड पे है तो उस जो भी पाथ में आ रहे हैं अपने, इसमें उन पे DFS लगा देंगे बेसिकली। आंसर तो हमें लेना ही है राइट। कोई भी नोड पे अगर मैं DFS कॉल करूँगा तो पहले मैं देख लूँगा कि अगर तो वो मेरे इसमें है, देन बस मुझे उसके चिल्ड्रन से ही आंसर लेना है, उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो चिल्ड्रन का ही आंसर ऐड करवा देंगे। और अगर वो DFS का मतलब पाथ का पार्ट नहीं है, देन या देन वी कैन इंक्लूड इन या इन चिल्ड्रन आल्सो। सो ओके सो दैट्स कूल। नाउ वो कैसे कर सकते हैं चिल्ड्रन से आंसर निकाल के, हाँ चिल्ड्रन से आंसर निकाल के कैसे कर सकते हैं उसको। ओके सो चिल्ड्रन से आंसर कैसे निकलेगा, सभी चिल्ड्रन में पाथ स्टोर कर सकते हैं राइट। ओके सभी चिल्ड्रन्स में पाथ स्टोर कर सकते हैं एंड सभी चिल्ड्रन्स में चिल्ड्रन्स का पाथ है मेरे पास, चाहिए कि क्या चाहिए,
चिल्ड्रंस के पार्ट्स तो मिल गए, सो उनको तो मैं आंसर में डाल दूंगा। अब मैं अगर करंट नोड को मान रहा हूँ तो उसके हर एक में मल्टीप्लाई हो बोल सकते हो, लाइक कि एक 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 3 है, तो उसको उसके साथ जोड़ सकता हूँ, उसको उसके साथ जोड़ सकता हूँ। करंट नोड से पास होने वाला कितना होगा, यही बोल है। सो मान लो मेरे पास n1 n2 n3 है, तीन चिल्ड्रंस का, तो मैं n1 को n2 के साथ कनेक्ट करूँगा, n1 को n3 के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। सो वो कॉम्बिनेशन में निकाल सकता हूँ। बेसिकली मल्टीप्लाई बोल सकते हो। सो n1 इंटू n2 सबका मल्टीप्लिकेशन हो गया यार, बट प्रॉब्लम वो सब करने का जरूरत ही नहीं है ना, कि अगर तुम्हारा वो उसका पार्ट नहीं है देन मतलब 4C2 वाला ही आंसर हो जाएगा, राइट? सॉरी, मतलब NC2 ही आंसर हो जाएगा। सो अगर 4 है तो 4 × 3/2, या एंड उसको फिर 4C2 ही आंसर हो, आई मीन NC2 ही आंसर हो जाना चाहिए। करेक्ट, या ओके। सो पहले ग्राफ बना लेते हैं। एन वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, n-1 है तो वही हो जाएगा। बेस्ड है कि ठीक है, वन बेस्ड है। एन हो जाएगा अपना ए डॉट साइज प्लस 1। Is in E. Just do DFS from 1 and find further node. So let's say, and for when we do second DFS, we have to actually store the path. So we have to, okay, and we have to prioritize the node with the maximum. So वो चीज़ कैसे कर सकते? सो एक काम करो यार, यहाँ से DFS की जगह पे अगर मैं BFS लगा दूँ तो मुझे सबसे फर्देस्ट नोड मिल जाएगा। हाँ, DFS की जगह BFS, नहीं DFS से क्या फायदा होगा, BFS से क्या फायदा होगा, यहाँ से फर्देस्ट नोड चाहिए, राइट? तो नोड मिलने में दिक्कत नहीं है, बट जब मैं सेकेंड टाइम DFS करूँगा तो मुझे एक्चुअली स्टोर करवाने पड़ेंगे कि कौन से नोड्स मेरे पाथ में आ रहे हैं, राइट? सो वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ? सेकेंड टाइम लगा रहा हूँ, हाँ, तो उस टाइम पे मैं एक्चुअली पेरेंट्स को करवा सकता हूँ, इसका पेरेंट ये रहेगा, यहाँ से ये आ रहा है,
एंड नोट तो मैं वैसे भी निकाल रहा हूँ, देन या इट विल बी फाइन या सो वी कैन एक्चुअली हैव पेरेंट. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ. पेरेंट वन का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट will be DFS from one, and in that DFS we can pass two things, max path, so that we can initially say zero, and node. DFS, we can pass that XPath and node 1 and actually parent 1 also. And after doing DFS first time, we can do DFS from node 1 and MaxPath, do we need to update that? So let's say max length path 1, let's do node 2 is equal to minus 1, and here we are passing max length path 2, node 2 and parent also 2. We have found node 1 and node 2, and in parent, from parent 2 we can actually get nodes, all the nodes. Okay, so how to find? Okay, let's say we have vector integer visited, so visited, and in that we have n plus 1, and initially all are 0, and now we can start from node 2. So visited of node 2, initially we can make it 1, and while parent 2 of, okay, and so that was so we are starting from node 2, and while parent of k is not equal to minus 1, our k will be parent 2 of k, and actually we can mark that k to visited. Okay, so in visited we have all the vertexes. Now we can just do DFS from node 1 or node 2, and yes, and store the answer, calculate the answers. So also we have to take mod, right? So mod of return. DFS 1 from, let's say we are doing from node 1, and we have to pass visited. Yeah, that's only two things only we need. Let's just first implement our DFS 1. So let's say it's returning DFS 1. Okay, adjacency we have to pass. Here also adjacency list.
root, then visited list and adjacency list. And now we can actually so that will be two cases. If the node is itself visited, in that case, okay, we need ourselves and also count. Also, we need from children. So from children, we need two things. So count of path and also count of nodes, right? So DFS dot second. Okay. So if the node is not in visited, then so if that root is visited, there will be two cases. If that is visited, then what we can do, and if that is not visited, then what we can do. Okay, so first of all, we have to, okay, we need parent also. Yeah, so without that, how can we do DFS? Initially it's minus one for this DFS also. First do DFS on all the children. Auto root. If V is not equal to parent, so if it is not equal to parent, then we can call DFS one. Visited, then adjacent, and parent will be root, and we can actually store answer from all of them. Okay, so let's see. Of node is zero, and long count of paths is also zero. Okay, let's see, it's long. So let's say both are zero, then we can okay, and so count of nodes plus equal to result dot first, and count of paths plus equal to result dot second, right? Okay, so now we have count from both of them, and we have included in our answer. Now we just have to see if our root can be we are doing that. Why we need this second DFS? I think if we have total number of nodes, and out of them how many nodes are there in the path,
सो वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग पाथ्स फ्रॉम ऑल द चिल्ड्रन एंड देन इफ यू ट्राई टू इंक्लूड अवर करंट रूट देन व्हाट विल बी द आंसर दैट्स अ प्रॉब्लम सो ऑल द पाथ्स शुड बी शुड गो फ्रॉम देयर दैट नोड Question is, what's the point of doing this? Got it. What's the point of doing this? Okay, so actually we can do this, then we can see if the root, if that is not, if it is the root, if we don't have to include root, then we can just return answer from its children. So we can take modulo and we can just return that. So count of paths modulo mod, okay, and we can return count of nodes, count of paths. Okay, so that will be the first case. And let's say, okay, and that will be count of nodes plus one, because yeah, we have one node. And that doesn't make sense. Does it make sense? Yeah. And let's say if we are not including that, if we have to include that root, in that case it will be just NC2, right? Because yeah, so in that case we can actually count of nodes plus equal to 1, so we can increase that and we can just put count of paths. So that will be count of nodes NC2. Count of nodes into count of nodes minus 1 and divide by 2. So that will be the paths, and then we are just, so that will be the paths, and we can just take modulo and return that. That was for DFS1 case. Okay, now just implement DFS in that DFS. What we are doing, anything we are returning? No, DFS, and in that we have root, then maximum path length, so that should be take it as reference because we have to update that. Node, okay, node we have, and then we have parent array, so list
ऑल्सो राइट बिकॉज इट्स डी एफ एस सो वी नीड डिस्टेंस ऑल्सो. So let's say initially root is at zero distance. Root is at zero distance. Okay. So now we can check. Distance is greater than max path. So if it is greater than max path, we can just update distance equal to max path. Sorry, max path equal to distance. Distance and node is equal to root. Cool. And yeah, anything else we have to update? We have max path we updated, node parent we don't need to update now. If it is equal, distance is equal to max path, in that case we can check about if root value is greater than node value, so previously stored node. In that case we can just assign node is equal to root. Cool. Now we can just do DFS. Not equal to parent, then if we is not equal to parent, then we can do DFS in V max path node, then parent array. Okay, actually we have to update the parent array and adjacency, then parent will be root and distance plus 1, and before that we have to update parent array also, so parent of v will be root. Cool. Let's see, there will be many problems. Oh, correct answer. Let's try to submit it. Wow. Wow. Unexpected. You are given a box, this is kept in a row, one based indexing and a number b. The ith box contain a value which is equal to b, not plus क्या है?
फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल विल बी 6 + 2 = 8। ओ अरे यार ऐसे बोलो। ओके फैक्टोरियल बोल रहा है। फैक्टोरियल में कुछ ऐड किया है तो वो फैक्टोरियल तो ऑब्वियसली नॉन प्राइम होगा। अब उसमें हम बी ऐड कर रहे हैं तो बस देखना है कि वो प्राइम बनेगा कि नहीं। और बी जो कर रहे हैं वो 15 से 15 तक ही है। अच्छा एक बात ये कि फैक्टोरियल दिया है तो ऑब्वियसली इवन होगा हमेशा, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाले को छोड़ के। सो फैक्टोरियल हमेशा इवन रहेगा, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं 1, 2, 3 ऐसे कुछ भी, तो क्या वो प्राइम बनेगा कि नहीं वो देखना रहेगा। उसमें मैं 1 ऐड करता हूँ देन टू टू ऐड करने पे तो कोई इवन ऐड कर रहे हैं तब तो वो नॉन प्राइम ही रहेगा, दैट्स मतलब वो गारंटीड है। तो जो भी नंबर ऐड कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा कि नहीं, मतलब अगर प्राइम और प्राइम ऐड कर रहे हैं तो जो भी नंबर ऐड किया है वो अगर प्राइम है देन, नहीं तो टू और वाला केस को छोड़ दो, ठीक है, इवन ऐड कर रहे हैं तब मतलब आंसर 0 0 नहीं मतलब 1 होगा कि हाँ 1 ही होगा, ठीक है। अगर टू ऐड कर रहे हैं तब आंसर 1 ही होगा, ठीक है, मतलब इवन ऐड कर रहे हैं तब का आंसर सिर्फ 1 वाले केस को छोड़ के बाकी सब तो इवन ही बनेंगे, ठीक है, तो वो वाला देख लेंगे। बाकी अगर मैं ऑड ऐड कर रहा हूँ तब ऑड ऐड करने पे क्या दिक्कत है, ऑड ऐड नहीं, अगर मैं प्राइम नॉन प्राइम ऐड कर रहा हूँ कोई भी नंबर तो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी नॉन प्राइम नंबर ऐड करूँगा तब वो नॉन प्राइम ही बनेगा, या ठीक है सही बात है, बट दैट डिपेंड्स ऑन नॉन प्राइम नंबर ऐड कर रहा हूँ मैं कोई भी, तो 15 तक वाला केस हम खुद चेक कर लेंगे, मतलब सो 15 तक कल तो ये नहीं, फिर उसको चेक भी तो करना पड़ेगा, राइट, 15 तक में फैक्टोरियल कितना जाता है, ये है ना कि अगर ये तो उसको चेक कर लो ना कहाँ तक गया था वो, 10^12 तक गया था तो उसको चेक कर सकते हो, 10^6 में हो जाएगा एंड या ठीक है गुड। सो वो वाला चेक हो जाएगा, सो 15 तक वाले में मैन्युअली चेक कर लेंगे। क्यों मैन्युअली क्यों चेक करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि
जिस लॉजिक से मैं देख रहा हूँ कि लाइक कि प्राइम से बड़ा वाला जो लॉजिक से मैं देख रहा हूँ तो उससे हिसाब से प्रॉब्लम होगा। ए की वैल्यू बी की वैल्यू तक, जितना भी बी की वैल्यू तक है वो खुद चेक कर लो, और बी की वैल्यू तक का बी 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो बी की वैल्यू तक का खुद ही चेक कर लेते हैं हम लोग, और बाकी बचे के लिए लॉजिक लगा देंगे डिपेंडिंग ऑन बी कैसा रहता है। ठीक है, ओके, सो बी प्राइम है कि नॉन प्राइम इसके हिसाब से। ठीक है, ओके कूल। अच्छा इस पे देखते हैं, तो ये तो मैन्युअली हो जाएगा। बी का अभी बट एक केस है कि टू वाला को अलग से हैंडल करना पड़ेगा, टू प्राइम है बट वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, बाकी सब नहीं, थ्री भी तो प्रॉब्लम करेगा, थ्री भी तो नॉन प्राइम है। अच्छा बेसिकली बी तक ही चेक करना होगा, बाकी सब में तो देखो कोई भी किसी का भी फैक्टोरियल ले लिया है तो बी तक ही चेक करना होगा, क्योंकि बी के बाद ए में कुछ भी डाला रहेगा तो उसमें बी प्रेजेंट रहेगा, तो अगर उसमें मैं उतना ऐड कर रहा हूँ बी को तो वो ऑब्वियसली नॉन प्राइम ही बनेगा। हाँ, तो बी तक ही चेक करना होगा, राइट। हाँ, बी तक चेक कर लो बस। हाँ सही बात है। पता नहीं चलेगा कि नहीं, बी तक चेक कर लेते हैं। तो बी तक का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा और मुझे चेक भी करना रहेगा वहाँ पे कि वो प्राइम है कि भी नहीं। ठीक है, हाँ मतलब बी तक का निकालना पड़ेगा और उसमें बी ऐड करके देखना पड़ेगा कि वो प्राइम है कि भी नहीं, अगर है तो काउंट में ऐड कर लो। हाँ, सो काउंट 0 हो जाएगा अपना, एंड देन वी विल रिटर्न काउंट, एंड एट द एंड वी विल रिटर्न काउंट एंड वी कैन हैव वन चेक फंक्शन टू चेक इफ इट इज प्राइम और नॉट। सो चेक फॉर प्राइम एंड इन दैट लॉन्ग लॉन्ग एन, सो हाउ विल वी प्रोसीड दैट लॉन्ग। While k into k is less than or equal to n, we have to just see right if n modulo k, if it is 0, सॉरी रिटर्न ट्रू एंड के प्लस प्लस, यही होता है ना। टू से स्टार्ट करके देखते हैं अंडर रूट तक, अगर कोई भी डिवाइड कर दे रहा है एंड को तो वो प्राइम नहीं होगा। ठीक है, एंड हियर बेसिकली वी हैव टू लॉन्ग लॉन्ग वन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, वन का वन रहेगा, बाकी सब हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। कूल, सो फॉर वन से ही स्टार्ट करते हैं, लेस देन इक्वल टू कहाँ तक रहेगा अपना, बी तक चेक करेंगे राइट। आई प्लस प्लस आई थिंक बी माइनस वन तक भी हो जाना चाहिए, बट ठीक है बी तक रख लेते हैं। बी आई प्लस प्लस, सो मल्टीप्लाई इक्वल टू आई, आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एंड अब
हमें चेक किस पे करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा फैक्टोरियल प्लस आई, फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल प्लस बी पे, राइट। सो इफ चेक, चेक प्राइम ऑफ प्लस बी, इफ इट इज ट्रू देन वी कैन इंक्रीज अवर काउंट। योर फंक्शन रिटर्न फोर एंड एक्सपेक्टेड शुड, मिनिमम ऑफ भी तो लेना पड़ेगा, राइट। हाँ, इससे ज्यादा कहाँ जा रहे हो भाई, फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ ट्रेजर कंटेनिंग मैनी गेम्स, सो यू रियलाइज दैट दे आर नॉट एज प्रीसियस एज दे सीम्स, इनफैक्ट दे आर कार्ड्स विद अ ब्लैक मैजिक एंड ब्रिंग बैड लक विद देम, सो यू ट्राई टू मिनिमाइज। जस्ट वन मिनट, कमिंग बैक। Front of you there is a treasure containing many gems, soon you realize that they are not as precious as they seems, in fact they curse with black magic and bring back bad luck. Okay, you have power to destroy eyes in 1 second, you can destroy gems in any order, you are given a 2d item, takes second to unit bad luck at any instance. Okay, only one gem can, and you can decide the order in which to receive bad luck. Okay, once the receiving bad luck start, it cannot destroy and automatically vanish after units of bad luck. Okay, although while receiving bad luck from any gems, you can choose to destroy which is available in treasure. There is no time lapse between receiving of bad luck from any two gems. As one gems finish giving bad luck, you have to choose second gem treasure to receive the bad luck. Okay. Return maximum amount of bad luck that you can avoid. Receiving bad luck is continuous process, and at any instance
means you cannot receive bad luck from more than one jinn. If you are receiving bad luck from bad luck from any dream, then you can choose him only after. Yeah, got it. तो ये टाइम है राइट, ए ऑफ आई 0 टाइम है एंड ये इसका अमाउंट है, ठीक है. सो अगर ये वाला केस में देखे सो तो हमें रिटर्न क्या करना है. डिस्ट्रॉइंग ए जीम विल टेक वन यूनिट ऑफ टाइम सो विल कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी बैड लक एट ऑल सिंस बोथ ऑफ द जीम टेक 0 सेकंड टू गिव बैड लक. Cannot destroy any bad luck at all. क्यों भाई? अच्छा एक सेकेंड लग रहा है तो जीरो दे दिया कि कुछ समझ में नहीं आया. ठीक है दूसरे वाले पे देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग. We can destroy first and fourth gem in 2 seconds while receiving bad luck from second and third. Okay. Second and third से receive कर सकते हैं. First and last को destroy करेंगे. कैसे? पहला वाला वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है? आइथ जीम टेक सेकंड टू गिव यूनिट ऑफ बैड लक. इफ यू आर रिसीविंग बैड लक फ्रॉम एनी जीम यू कैन चूज सेकंड जीम ओनली आफ्टर दिस सेकंड. हाँ 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 गॉट इट. सो फर्स्ट वाले केस में मान लो किसी फर्स्ट या सेकंड को चूज किया तो वो 0 सेकंड में ही दे दिया तो फिर दूसरा अब चूज करना ही पड़ेगा राइट. या सेकंड वाले केस में है कि वन वाले बैड लक को चूज किया और 0 को उस टाइम पे डिस्ट्रॉय कर दिया फिर दूसरा वाला पिक करो और उसको डिस्ट्रॉय कर दो उससे 1 सेकंड में. ठीक है सो बेसिकली अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कैसे काम कर सकते हैं. ऐसा कर सकते हैं क्या कि वेट है वेटेड वाला लाइक कि चूज करके मैक्सिमम रेशियो देख लो जो मतलब कम वाला है उसको डिस्ट्रॉय करो पहले वही बेटर रहेगा. सो जिस चीज में हाँ रेशियो देख लो मतलब डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करो उसको उससे हो जाना चाहिए ना. पता नहीं कि जिसका रेशियो का टाइम वाला कम है तो उसको डिस्ट्रॉय करने से क्या फायदा होगा. See, in the end we have to ratio वाली बात तो ठीक है but in the end we have to let's it we have two gems 13 and 120 ही रहता और maybe
जैसे तुम रेशियो वाला बोल रहे हैं तो उसमें वो कहाँ पे गलत होगा। देखो मान लो कि 1:3 है और दूसरा है 20:20 वाला ही है, तो अगर रेशियो वाले से जाएंगे तो सोचेंगे कि 20:20 को डिलीट कर दे, मतलब नहीं, 1:3 वाले को डिस्ट्रॉय करेंगे और 20:20 वाले को बचा के रखेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ग्रीडीली तो हो नहीं रहा है, बेसिकली अगर हम उतना टाइम निकाल पाए डिस्ट्रॉय करने के लिए, कितना टाइम लगेगा मिनिमम नंबर ऑफ, वेट भी तो, हाँ वेट ही तो देख रहे हैं ना हम, देखो बेसिकली वेट ही देख रहे हैं, राइट, उसको मिनिमाइज करना है, बट वहाँ पे मेरे पास टाइम दिया हुआ है। टाइम है 'Cost' जुड़ जाएगा, राइट। सो मान लो 10 यूनिट ऑफ मुझे टाइम चाहिए,
फोर्स भी सोचे इसका। मेरे पास टाइम दिया हुआ है, बेसिकली बस मुझे ऐसे चूज करने हैं जिसके जिससे कि मुझे उतना टाइम मिल जाए कि बाकी सब एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब डिस्ट्रॉय कर दूं मैं उतने टाइम में। सो मान लो कि मैं पांच चूज कर रहा हूँ, तो पांच से मुझे उतना सम मिल जाना चाहिए टाइम का कि बाकी सबको मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, ठीक है? और उनका सम मिनिमम आना चाहिए, राइट? हाँ। सो मैं एक काम कर सकता हूँ कि बट दो चीज़ें हो गई ना, कि एक तो हो गया कि मुझे टाइम कितना मिल रहा है एक्स्ट्रा उनको चूज़ करने के बाद, एक तो वो चीज़ हो गई। और टाइम मिल रहा है वो तो ठीक है, ठीक है, तो मुझे टाइम कितना मिल रहा है उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद, और उनका कॉस्ट कितना जा रहा है, ठीक है? सो दो चीज़ें हो जाएंगी। तो टाइम मिल रहा है कितना और कॉस्ट भी देखना पड़ेगा। हाँ, कॉस्ट भी देखना पड़ेगा। और मतलब टाइम मिल भी रहा है तो फिर उनके कितने को यूज़ करके मिल रहा है, ताकि बाकी बच्चों के लिए मुझे वो टाइम में डिस्ट्रॉय करना है। हाँ यार, ये बात है। वो मिनिमाइज करने से तो ठीक है। प्रॉब्लम हियर इज दैट, एक तो पहली बात में मान लो कि कितने डिस्ट्रॉय करने हैं वो चूज करो यार, ठीक है? कितने डिस्ट्रॉय करने हैं, तीन डिस्ट्रॉय करके कितना टाइम मिलेगा, चार डिस्ट्रॉय करके कितना टाइम मिलेगा, मतलब कितनों से बैड लक लेके। तो दो चीज़ें देख रहे हैं ना हम लोग, कि इतनों से बैड लक देख रहे हैं, तो कितना टाइम मिल रहा है मुझे और कितना वो हो रहा है। सो ये तो फिर प्रॉब्लम है यार। और अगर वो वाला रेशियो वाले से क्या दिक्कत हो रहा था, रेशियो वाले से ये दिक्कत हो रहा था कि मतलब 1:3 का भी है और 20:20 का भी है। तो अगर रेशियो वाला देख के मैं 20:20 वाले को बैड लक वाला ले लूँ और उसको डिस्ट्रॉय करने का चाहूँ, तो गलत दे देगा आंसर, बिकॉज इट्स बेटर टू। हाँ, नहीं, गलत क्यों देगा वो? अगर मेरे पास 1:3 का एक पड़ा हुआ है, दूसरा 20:20 का है, तो अगर मान लो कि मैं 1:3 का डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, तो 20:20 का, अच्छा 20:20 वाला 1:3 का डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, 20:20 वाले ले लेता हूँ, तो मुझे 20 बैड लक मिलेगा, ठीक है? और मान लो कि 1:3 का मैं डिस्ट्रॉय 1:3 का ले लेता और 20:20 का उस टाइम पे डिस्ट्रॉय कर देता। हाँ यार, तो वो तो सही बात है। तो वैसे डिस्ट्रॉय में हर एक के एक ही टाइम लग रहा है, तो फिर क्यों ना हम मैक्सिमम वैल्यू वाले को डिस्ट्रॉय कर दें, एज सिंपल एज दैट। कभी सही ज्यादा वाले को डिस्ट्रॉय करने से, क्यों नहीं, ज्यादा वाले को ही डिस्ट्रॉय करने से क्या दिक्कत है, एक सेकंड में डिस्ट्रॉय तो हो रहा है। डिस्ट्रॉय करता हूँ और
एक दो टेस्ट केस तो हो जाएंगे, देखते हैं। गलत तो बेसिकली हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं सेकंड के हिसाब से। और अगर दोनों का सेकंड सेम है तो पहले कौन जाएगा, जिसका टाइम ज्यादा हो। राइट, पता नहीं, अप्रोच तो गलत ही है। एक तो टेस्ट केस हो जाए बस। सो इफ ए का सबसे पहले तो वन, अगर दोनों इक्वल हैं, बी का भी वन, सो इफ बोथ आर इक्वल तब क्या करेंगे, और इक्वल नहीं है देन वी जस्ट हैव टू सॉर्ट अकॉर्डिंग टू। एंड अगर दोनों इक्वल है तब क्या करेंगे, ए का 0 शुड बी ग्रेटर देन बी का 0। कूल, नाउ टू पॉइंटर लगा दो। सो यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, वो 0 वाला केस को हैंडल करना पड़ेगा यार, जो 0 0 आ रहे थे। का क्या करे यार 0 वालों का, इससे तो अगर वो पहले चला गया तो उसका तो कुछ फालतू का यूज हो गया। मतलब जीरो वालों का क्या करूं मैं, टाइम 0 है। ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो फिर इनको दे देंगे, और क्या करें। सो 0 इंडेक्स पे चलते हैं, और जब तक चलते रहते हैं तब तक वाइल आई इज लेस देन एन ले लेते हैं डॉट साइज। ए डॉट साइज अपना एन हो जाएगा, और इसको व्हाइल आई इज लेस देन एन, एंड पहला वाला टाइम था ना, राइट। सो ए ऑफ आई 0, सो इससे पहले वाले मतलब एक्स्ट्रा के हो जाएंगे। सो बोल सकते हैं इंडेक्स अपना ले लेंगे आई माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे आई से स्टार्ट करो और जे ले लो अपना, जे अपना हो जाएगा एन माइनस वन पे। एंड वाइल आई इज लेस देन जे, और मतलब एक्स्ट्रा बचे हुए हैं तो फिर उनको आई वाले इंडेक्स से ले सकते हैं हम लोग, राइट। ओके, सो वो एक्स्ट्रा टाइम का अभी बाद में हैंडल करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं।
एक्स्ट्रा टाइम को हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि बीच में तो आ ही गए होंगे यार। लेट्स सी कैसा होता है, उसको कुछ होता है कि नहीं देखते। उसको आइज लेस देन जे, तो क्या रहेगा अपना? आइथ वाले को ले रहा हूँ तो मुझे टाइम कितना मिल रहा है वो देखना पड़ेगा, राइट? एक मेरा रहेगा, मेरे पास टाइम कितना बचा हुआ है। सो इनिशियली लेट्स से इट्स 0। सो इफ दैट एक्स्ट्रा टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए ऑफ जे ऑफ 0, सो एंड ये मतलब 10^9 से जाएगा नहीं। कहा गया कंस्ट्रेंट 10^9 से जाएगा क्या? बड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। टू हाँ इंटीजर रेंज में ही रहेगा। सो लेट्स से आंसर ले लेते हैं। आंसर 0 ले लेते हैं। सो अगर ये चीज़ है तो आंसर को बढ़ा दो। कितनों से बढ़ा देंगे हम लोग? ए ऑफ जे ऑफ 1, और एक्स्ट्रा टाइम को कम करना पड़ेगा हमें माइनस इक्वल टू ए ऑफ जे ऑफ 0 से, ठीक है। सो ये तो ये बात हो गई। और फिर अच्छा जे को भी कम करना पड़ेगा, राइट? जे माइनस इक्वल टू 1, जे को 1 एक कम कर लिया। एल्स एल्स में क्या करेंगे? एक्स्ट्रा टाइम को बढ़ा दो करंट आई से एंड आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। सो एक्स्ट्रा टाइम प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई ऑफ 0 एंड आई को भी बढ़ा देते हैं, चलो। एंड इन द एंड वी कैन रिटर्न आंसर। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर तो है बट कितने पास हुए भाई? अच्छा कस्टम इनपुट पे चेक कर लेते हैं इसमें। तरीका ही गलत है तो कहाँ से आंसर आएगा? सही, 6 वाले को बचा लिया। अच्छा इसमें अगर हम जाए तो आंसर कहाँ गलत हो रहा है? 1 मिनट। सबसे पहले अच्छा इसको ऑर्डरिंग में करो, तुम्हारे हिसाब से कैसा ऑर्डरिंग होगा इसका? छोड़ो
इसका फोटो ले लेते हैं। बेसिक पहले तो काफ़ी सही लगे क्रोनो, पहला वाला भी काफ़ी सही है, सेकंड वाला भी बहुत सही। चलो टेस्ट को खा।